तो दोस्तों आज का जो कंपैरिजन है वो काफी बढ़िया होगा, बिकॉज आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ एक्सनोस 1330 वर्सेस डायमेंसिटी 7050। यहाँ पे जो दोनों ही जो प्रोसेसर है आते हैं वो काफी बढ़िया फोन में लग के आते हैं। एक्सनोस वाला सैमसंग E14 M14 N14 में देखने को मिलेगा, एंड डायमेंसिटी वाला जो आपको देखने को मिलेगा वो है लावा अग्नि 2 में। यहाँ पे लावा अग्नि 2 आपको 20,000 तक देखने को मिल रहा है, वहीं सैमसंग का A14 भी 20,000 है, बस M14 N14 आपको 14 से 15 हज़ार में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो कंपैरिजन होगा वो दोनों ही प्रोसेसर का है। स्मार्टफोन कंपैरिजन आपको टेक डेंड्रॉन पे मिलने वाला है, तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी प्रोसेसर का कंपैरिजन काफी बढ़िया होगा। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा एंड एंजॉय कीजिएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं टिक रूम। वीडियो को स्टार्ट करता हूँ अनाउंस डेट के साथ। तो दोनों ही प्रोसेसर लेटेस्ट प्रोसेसर हैं, दोनों ही 2023 में अनाउंस हुए थे, 1 फरवरी में, 1 मई में है। यहाँ पे क्लास दोनों का सेम है, मिड रेंज में दोनों ही आते हैं। मॉडल नंबर की बात किया तो एक्सनोस का मॉडल नंबर S5E8535 है, एंड TDP की बात किया है तो एक्सनोस का 7 वॉट है, वही डायमेंसिटी का 4 वॉट है। नेक्स्ट आर्किटेक्चर को देखते हैं, तो आर्किटेक्चर में यहाँ पे दोनों जो प्रोसेसर हैं वो ऑक्टा कोर हैं। एक्सनोस 1330 में 2 कोर 2.4 GHz क्लॉक कॉर्टेक्स A78 एंड 6 कोर 2 GHz क्लॉक कॉर्टेक्स A55 देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे डायमेंसिटी 7050 में 2 कोर 2.6 GHz क्लॉक कॉर्टेक्स A78 एंड 6 कोर 2 GHz क्लॉक कॉर्टेक्स A55 देखने को मिलते हैं। तो बेटर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आपको थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस भी देगी एज कम्पेरिजन टू एक्सनोस। बाकी यहाँ पे आपको जो गेमिंग वाला सेक्शन है वो डायमेंसिटी में बेटर देखने को मिलेगा। आगे मैं इसके गेमिंग के बारे में बताऊंगा कि कितनी ग्राफिक्स आपको सपोर्ट देखने को मिलेगी डायमेंसिटी एंड एक्सनोस में, एंड लास्ट में बेंचमार्क एंड बताऊंगा मेरा पर्सनल स्कोर कि कौन सा प्रोसेसर आपको लेना चाहिए। सीपीयू फ्रीक्वेंसी की बात किया तो एक्सनोस जो है 2400 MHz पे क्लॉक आता है, डायमेंसिटी 2600 MHz पे क्लॉक आता है। फैब्रिकेशन तो आपको पता है, जितना स्मॉल फैब्रिकेशन उतना बेटर प्रोसेसर हो जाता है। एंड यहाँ पे जो एक्सनोस है वो 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, एंड डायमेंसिटी वाला वो 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। तो 5 और 6 दोनों ही आप कंसिडर कर सकते हैं, दोनों ही अच्छी नैनोमीटर टेक्नोलॉजी हैं। बट यहाँ पे अगर विनर की बात की है तो वो 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है, थोड़ा सा कम है, बैटरी बचाएगा आपकी एंड परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंप्रूव करेगा। प्लस इसमें 7 वॉट की TDP दी गई है, तो इससे आपको परफॉर्मेंस और इंप्रूव हो जाएगी, बट बैटरी ड्रेन इसका फास्ट हो जाएगा। एंड ग्राफिक्स की बात की है तो ग्राफिक्स में एक्सनोस जो है इसमें माली G68 MP2 लग के आता है, जिसका आर्किटेक्चर वॉलहॉल 2 है। सेम यहाँ पे डायमेंसिटी में भी माली G68 ही मिलेगा, बट MC4 है इसका, आर्किटेक्चर वॉलहॉल 2 ही मिलता है। एंड यहाँ पे बात करते हैं GB फ्रीक्वेंसी की, तो एक्सनोस 1339 50 MHz पे क्लॉक आएगा, वही 750 जो है आपको 850 MHz पे क्लॉक देखने को मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट बात करते हैं इसके फ्लोटिंग पॉइंट्स की, तो डायमेंसिटी एंड एक्सनोस में काफी हाई डिफरेंस देखने को मिला है फ्लोटिंग पॉइंट्स को लेकर। यहाँ पे एक्सनोस 240 GFLOPS की स्पीड शो करता है, जबकि डायमेंसिटी वाला वो है 686 GFLOPS की स्पीड शो करता है। मतलब कंप्यूटेशनल पावर आपको डायमेंसिटी 7050 में हाई देखने को मिलेंगी। एंड मेमोरी टाइप की बात किया तो यहाँ पे आपको सेम सपोर्ट देखने को मिलेगा, LPDDR5 3200 MHz की फ्रीक्वेंसी एंड UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप। नेक्स्ट बात करते हैं गेमिंग ग्राफिक सपोर्ट की, तो गेमिंग ग्राफिक सपोर्ट में यहाँ पे जो दोनों ही जो प्रोसेसर हैं वो काफी सही हैं, बट गेमिंग के लिए मुझे नहीं लगता एक्सनोस आता है। एक्सनोस का डेटा सैमसंग A14 से लिया गया है, एंड डायमेंसिटी का 7050 का लावा अग्नि 2 से लिया गया है। एंड यहाँ पे जो पबजी मोबाइल का डेटा है वो 1460 मैक्सिमम फ्रेम रेट सपोर्ट देखने को मिलेगा। ग्राफिक सपोर्ट में एक्सनोस में करंटली HDHI का सपोर्ट मिलता है, एंड डायमेंसिटी में HDR के साथ अल्ट्रा मैक्सिमम सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट सीओडी मॉडल की बात किया तो यहाँ पे 3060 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। ग्राफिक सपोर्ट में एक्सनोस में मीडियम हाई रहने वाला है सेटिंग, वहीं डायमेंसिटी में आपको वेरी हाई के साथ वेरी हाई मिल सकता है और वेरी हाई के साथ मैक्स मिल सकता है। अभी किसी ने मैक्सिमम पे प्ले किया नहीं है, मतलब सही से, तो बता पाना मुश्किल है कि मैक्सिमम सपोर्ट क्या आ रहा है एंड फ्यूचर अपडेट्स में क्या आने वाला है, ये भी बताना पाना मुश्किल है। नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो कैप्चर की, तो यहाँ पे दोनों प्रोसेसर 4K 30 FPS का मैक्सिमम सपोर्ट करते हैं। ध्यान दीजिए मैक्सिमम सपोर्ट करते हैं, बट सैमसंग के F14 में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा एंड M14 में भी। तो यहाँ पे आपको 4K का शायद से सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, एंड 4K का सपोर्ट आपको अग्नि में देखने को मिलेगा, जिसमें 4K 30 FPS का मिल जाता है। प्लेबैक भी ऐसे सेम रहने वाला है। डिस्प्ले की बात किया तो यहाँ पे एक्सनोस में 2960x1440 पिक्सल्स का सपोर्ट मिलेगा, एंड डायमेंसिटी में 2560x1080 पिक्सल्स का। NPU की बात किया तो दोनों के पास अपने अपने NPU हैं। यहाँ पे सैमसंग के पास अपना सैमसंग का है, जबकि डायमेंसिटी के पास मीडियाटेक APU 3.0 है। एंड कनेक्टिविटी की बात किया तो दोनों ही प्रोसेसर यहाँ पे 5G सपोर्ट करते हैं। बैंड आप चेक कर लीजिएगा कि कितने बैंड सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। 4G की बात किया तो दोनों में LTE Cat 18, ब्लूटूथ का बात किया जाए तो 5.2, एंड वाईफाई में दोनों ही प्रोसेसर के पास 5 और 6 देखने को मिल जाता है। एक्सनोस में आपको 5 का सपोर्ट मिलेगा, तो आप 5 को भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आप सैमसंग की तरफ जा रहे हैं, बट बेटर टेक्नोलॉजी वाईफाई 6 है।
एंड बेंचमार्क की बात करते हैं, तो बेंचमार्क स्कोर आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा प्रोसेसर कितना बेटर है। हाँ, ये फ्यूचर अपडेट्स में चेंज हो सकता है, बिकॉज जो डायमेंसिटी 710 वो सिर्फ लावा अग्नि 2 पे आया है, तो यहाँ पे अगर और फोन पे देखने को मिलेगा वैसे वैसे ये डिफरेंस हाई या फिर लो हो सकता है। एंड बाकी मैंने जितने भी रिव्यूज देखे थे उसमें अंतुतु स्कोर थोड़ा डिफरेंस ज्यादा आ रहा था, इसलिए अभी अंतुतु स्कोर एंड गीक बिंच स्कोर को आप 7050 के साथ उतना रिलेटेबल लेके मत चलेगा। यहाँ पे जो एक्सनोस 1330 है वो 745 स्कोर करेगा एंड डायमेंसिटी 7050 831 स्कोर करेगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा बेटर डायमेंसिटी है अभी के सिचुएशन में। एंड मल्टी कोर की बात किया तो एक्सनोस 2512 स्कोर करेगा, जबकि डायमेंसिटी 2295 स्कोर करेगा, तो मल्टी टास्किंग यहाँ पे एक्सनोस बेटर आता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके अंतुतु बेंचमार्क की, तो अंतुतु बेंचमार्क में यहाँ पे जो एक्सनोस है वो 3,48,000 अप्रॉक्स स्कोर करता है एंड डायमेंसिटी जो है 4,93,000 अप्रॉक्स स्कोर करता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि यहाँ पे जो 7050 है उसका स्कोर आपको किसी किसी केस में 6 लाख तक देखने को मिला होगा एंड किसी किसी केस में 3 लाख तक देखने को मिला होगा। तो मैंने ये जो लिया है वो ज्ञान थेरेपी के वीडियो से लिया है, तो आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। एंड ये थोड़ा डेटा ऊपर नीचे भी हो सकता है, क्योंकि हर बार जितने भी लोग अपलोड करते हैं अपना डेटा एंड जितने लोग रिव्यू दिखाते हैं तो आपके में डेटा अलग अलग आता है, तो मैं एक एवरेज बताता हूँ आपको। यहाँ पे जो 3D Mark आता है एक्सनोस का 1384 आएगा एंड डायमेंसिटी 7050 का 2200+। कंक्लूजन कि अभी आपको कौन सा परफॉर्मेंस के लिए लेना चाहिए या फिर बैटरी लाइफ के लिए लेना चाहिए, तो आप अपना पहले डिसाइड कीजिएगा कि आपको कैसा फोन चाहिए, परफॉर्मेंस, बैटरी एंड बाकी चीजें। तो अभी बताता हूँ क्यों। तो अगर आपको सीपी परफॉर्मेंस वाला काम है तो यहाँ पे आपको जो डायमेंसिटी है वो बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देगा एज कम्पेयर टू एक्सिनोस। एंड अगर गेमिंग का भी काम है तो आपको डायमेंसिटी ही लेना चाहिए, बिकॉज में आपको HDR अल्ट्रा का सपोर्ट मिलेगा एंड डायमेंसिटी में आपको बेटर गेमिंग सपोर्ट देखने को मिलती है एज कम्पेरिजन टू एक्सिनोस। एंड यहाँ पे जो बैटरी लाइफ है, बैटरी लाइफ में अगर आप बैटरी के लिए कोई फोन ले रहे हैं तो एक्सिनोस आप कंसिडर कर सकते हैं, बट डायमेंसिटी भी ऑलमोस्ट सेम रहेगा बिकॉज इसकी TDP कम है, तो बैटरी थोड़ी सेफ हो जाएगी, परफॉर्मेंस थोड़ी कम हो जाएगी। एंड एक्सनोस में जो है वो TDP हाई है तो परफॉर्मेंस बढ़ेगी बट बैटरी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे आप दोनों फोन से कोई सी कंसिडर कीजिएगा, 89 एंड 84 स्कोर आता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम रहेंगे। यहाँ पे टेक रोम स्कोर की बात किया, मतलब मेरे पर्सनल स्कोर की, यहाँ पे जो एक्सनोस है वो 44 स्कोर करेगा आउट ऑफ 100 एंड डायमेंसिटी 55 स्कोर करेगा आउट ऑफ 100। वैसे एक्सनोस 1330 का अगर आप कोई फोन लेने वाले हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड लावा अग्नि 2 लेने वाले हैं तो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड 1330 की मैं बात करूँ तो जो F14 है, मैंने इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च किया था, काफ़ी मैंने देखा था, तो F14 में जितनी चीज़ें प्रॉमिस की गई हैं एक्नोस 1330 के साथ उतनी दी नहीं गई हैं, उससे काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगा। जस्ट लाइक LPDDR4X रैम, UFS 2.2 स्टोरेज एंड 1K60 FPS के साथ रिकॉर्डिंग दी गई है उसमें। तो जैसा कि आपने देखा 1330 में काफ़ी हाई स्टोरेज है एंड सपोर्ट है, ये सब है, तो इसका स्कोर कम हो जाएगा अगर आप M14 F14 ले रहे हैं, तो उसमें ये स्कोर जो है 34 अराउंड आएगा, जबकि 7050 डायमेंसिटी के केस में ये सेम रहने वाला स्कोर 55 स्कोर करेगा, बिकॉज उसमें सारी चीज़ें अवेलेबल कराई गई हैं। वैसे अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपना सपोर्ट दिखाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।